हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको आटे की बोरी का यूज करना बताऊंगी और घर में जो भी कतरन पड़ा है उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी। आप मेरी वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। आपके पास भी इस तरह की आटे की बोरी बेकार पड़ी हुई है तो उसको ले लीजिए और यहाँ से इसको कट करिए। अब इसके बाद इसमें से मैं एक निकालूंगी सर्कल कटिंग करके, तो आप देख सकती हैं इस तरह से इसको फोल्ड करना है। जितना लंबा चौड़ा रखना चाहती हैं उतना ले सकती हैं। देखिए, इस तरह से बोरे को चार तरफ में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसकी गोलाई, यहाँ देखिए मैं 12 इंच ले रही हूँ, इस तरह से निशान बना लेना है। मैं इसको डार्क करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से निशान बनाना है, फिर यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है। ये हो गया, अभी बहुत ही अच्छा सर्कल बन करके तैयार हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको काट कर निकाल दूंगी मैं। अब इसके बाद देखिए, मैं खोल रही हूँ, कितना अच्छा ये सर्कल बन करके तैयार हुआ है। अब इसका क्या यूज करूँगी मैं, आप बस ऐसे ही लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आपको लेना है देखिए इस तरह का कतरन। अगर आप भी सिलाई करती हैं तो बहुत सारा कतरन बच जाता है कपड़े का, तो इसका यूज मैं करना बताऊँगी। देखिए, यहाँ पर इस तरह का कपड़ा ले लेना है और 3.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच लंबा इस तरह से कट कर लेना है। और बहुत सारा आपको इसके साइज का कटिंग करके रख लेना है, जितनी कपड़ा है इन सब का। और इसमें कलर नहीं देखना है, जो कलर है सबको काटना है इसी के साइज का। तो आप देख सकती हैं जो कलर है उसको इकट्ठा कर ली हूँ मैं, हर एक कलर को अलग अलग रखना है। देखिए, इस तरह से मैं रख ली हूँ, तो अब हो गया। अब इसका क्या करना है आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आपको इसको ले लेना है। अब मैं यहाँ पे मशीन पे चलती हूँ, तब आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, एक कलर का जो कपड़ा है मैं इसको अलग कर ली हूँ और इस तरह से इसको फोल्ड करना है और किनारे में सिलाई कर लेनी है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे पहले सिलाई करनी है। इसी तरह से सभी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और सर्कल का जो भी किनारा है उन सब में यही डिजाइन बना करके सिलाई करनी है। आप देख सकती हैं मैं कैसे कर रही हूँ। इसी तरह से पहले बना लीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। तो ये बनकर के तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बैक साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए, फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से सिलाई कर लेनी है।
ऐसा सिलाई कर देने से देखिए अंदर की साइड में आ गया है। इसका जो भी कटा हुआ भाग है वो अंदर की तरफ रखना है, इसको बाहर नहीं करना है। और फिर अगली लाइन मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। अब दूसरे कलर का कपड़ा मैं ले ली हूँ और इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी और इसमें फिर देखिए आगे की साइड इस तरह से रख करके सिलाई करनी है। आप देख सकती हैं कैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरी लाइन को भी तैयार कर लेना है। और आपको ऐसे ही पूरे जो भी सर्कल जितना बड़ा है उन सब में इसी तरह से डिजाइन बनानी है आपको। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अगर मैं पूरा बनाने लगूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कोई देखना नहीं चाहेगा इतनी लंबी वीडियो, ज़्यादा टाइम का हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। इस तरह से दूसरी लाइन भी तैयार करना, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से मतलब लास्ट तक आपको बीच में आ जाना है। बीच में आने के बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, बस वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बनी रहिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरी लाइन मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरह से आप करते जाइए और ये बीच में आ जाएगा। तो आप देख सकती हैं ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बीच में आपको बताऊंगी क्या करना है। लास्ट में आपको कोई भी स्टिकर ले लेना है साड़ी का, जो रहता है निकला हुआ बेकार साड़ियों का, या फिर आप कपड़े से भी बना सकती हैं डिजाइन। मैं यहाँ पे साड़ी से निकला हुआ स्टिकर का बताऊंगी। पहले तो आपको बीच में आना है और यहाँ पे कम से कम आपको एकदम लास्ट तक ये डिज़ाइन बना लेनी है। 1 इंच या 1.5 इंच बीच में जगह केवल बचना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, उसी में वो डिज़ाइन बनेगा। आपको मैं बनाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बनकर के तैयार हुआ है। और ये है क्या, आप इसको पायदान में यूज कर सकती हैं। अगर आपके पास भी बेकार बोरी और कतरन बचा हुआ है तो आप इस तरह का एक बार ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से इसको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ देखिए इस तरह का मैं साड़ी से स्टिकर निकाली हूँ, देखिए इस तरह का। आप भी साड़ी या सूट कहीं से भी इसको ले सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है किसी टाइप का हो, कोई भी हो, बीच में सेट करना है आपको। तो ये बनकर तैयार हो गया है। तो एक लाइक ज़रूर करिए और ये वीडियो मेरी लगी कैसी कमेंट में ज़रूर बताइए। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं मेरे से। आप देख सकती हैं बनने के बाद कैसा लग रहा है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, आप सभी लोगों को।